वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो में लेके और हमारे चैनल टेक्निकल नगरा 2M में। और आज की वीडियो में आपके लिए कुछ अलग ही चीज़ लेके आए हैं कि कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें मतलब कि आजकल जैसा देख रहे हैं कि क्रिएटर बड़े बड़े वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, टेक न्यूज़, टेक अपडेट्स, अच्छे अच्छे चैनल ओपन हो रहे हैं, इसी के बीच कई क्रिएटर्स की प्रॉब्लम आती है कि उन्हें कोई मास्टर नहीं मिलता कि मतलब उनसे उन्हें वो चीज़ प्रॉपर बता पाए कि आपकी अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आती है मेरी। जैसे पिछली कुछ वीडियो में एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैंने जैसे बात की गूगल सपोर्ट की सपोर्ट ली थी, मुझे उस मतलब काफ़ी क्रिएटर को देखा फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं पता लग पाई थी, लेकिन मैंने गूगल सपोर्ट की जब सपोर्ट ली तो मुझे आसानी से वो चीज़ हो पाई, मुझे सोल्यूशन उसका मिल पाया। तो इसी रिलेटेड आज की ये वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल सपोर्ट की सपोर्ट ले सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम चैनल के रिलेटेड आती है तो वहाँ से आप इंक्वायरी अपनी कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ मिल सकता है। सो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हर बार की तरह अच्छी अच्छी अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ, अब आपको बताता हूँ गूगल सपोर्ट की सपोर्ट के बारे में कि कैसे मैंने उनसे बात की और क्या मेरी प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन मुझे मिला। सो लेकर चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा क्रोम में यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम ये थी इस टॉपिक में कि मेरा जो कस्टम चैनल यूआरएल था ये मतलब कि चेंज नहीं हो पा रहा था। यहाँ कॉपी का ऑप्शन तो और है लेकिन सेट कस्टम यूआरएल ये हाइड सा है, मतलब कि यहाँ पे ओके नहीं हो रहा था। और मुझे ये बहुत जब अपडेट इधर आई है हैंडल वाली, इससे पहले की है ये वीडियो, मतलब कि प्रॉब्लम मेरी थी कि मेरा मैंने सोचा कि मेरे नाम से कस्टम यूआरएल होना चाहिए और चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत मैंने क्रिएटर की वीडियो देखी कि कैसे क्या होगा, लेकिन सबने यही सेट कस्टम यूआरएल यहीं की वीडियोस की थी क्योंकि तब ये अपडेट हैंडल वगैरह वाली कोई नहीं आई थी और ना ही आने वाली थी। तो यहाँ पे जब अपडेट आने से पहले यहाँ सेट कस्टम यूआरएल नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे जब कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो मैंने क्या किया, मैंने फिर और सोल्यूशन देखने की जरूरत की, लेकिन वहाँ पर मुझे मतलब खुद से ही मतलब मैंने कहीं देखा नहीं, खुद से यहाँ पे ऑप्शन मुझे देखने को मिला अपना जो गूगल सपोर्ट का ऑप्शन जो है देखने को मिला। यहाँ पे जैसे यहाँ देख रहे हैं कि चैट इन प्रोग्रेस, चैट लोडिंग करके ऐसे आ रहा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ आपकी लोडिंग, ये देखिए चैट लोडिंग हो रही है। चैट लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने जो अपनी बात स्टार्ट की यहाँ पे पूरी बात की इनसे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मतलब चैनल यूआरएल चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगता है कि ये जैसे हैंडल की वो आने वाली अपडेट, उसके लिए ये अपडेट में सब कुछ चल रहा है। तो यही चीज़ें थी कि यहाँ मुझे ये सब इन्होंने ये अपना बताई है, जैसे कि यूपॉइन चेकिंग आवर कस्टम यूआरएल फीचर इज करंटली नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम अपडेट दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। ये चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ मुझे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और यहाँ पे लास्ट में जब ये देखिए प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर दी कि अपडेट आ रही है, इसलिए मैं बैक हो जाऊँ, मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मेरा यूआरएल अपने आप खुद से बन जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने कह दिया यू आर वेरी मच वेलकम इज देयर, मतलब थैंक यू वगैरह कर दी कि मैंने खुद से डायरेक्टली यूट्यूब की गूगल सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल रही, तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है हमें। और यहाँ इन्होंने गूगल अपनी फीडबैक के लिए यहाँ पे एक लिंक भी दे दी है, जहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपकी मतलब जो मैं इन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया वो कैसा लगा। तो यहाँ में मैंने अपना सेटिस्फाइड वगैरह पूरा बता दिया और यहाँ पे लिंक भी दिया कि कैसा लगा। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो यहाँ डायरेक्टली आप गूगल सपोर्ट से यहाँ पे बात कर सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेटर आपका फ्रेंडली बिहेवियर आपको बता देंगे, सब कुछ फ्रेंडली आपसे बात करेंगे। आपने देखा कैसे मैंने गूगल सपोर्ट की जो सपोर्ट ली थी कैसे मुझे मेरी उन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन दिया, और कैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता तो भी क्या सलूशन उसका मैंने दिया था, हालांकि मेरा सलूशन वहां पे ही मिल गया था, जो मेरा यूआरएल चेंज नहीं हो पा रहा था वो चीज़ है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो शेयर कर देना अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और काफ़ी नए क्रिएटर को ये जानकारी मिल सके तो उनको भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह शेयर की ये ताकि ऐसी अपडेट और मैं लेके आ पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई कोई इन्फॉर्मेशन के साथ।